chemistry of gypsum and plaster of Paris. What is plaster of Paris? The short form is POP. Okay? सबसे पहले तो आप इसमें फॉर्मूला याद रखिए. What is the formula of gypsum? CaSO4, calcium sulfate dot 2S2, not half किसमें होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में. ओके, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 dot 2S2. ध्यान देना जरा फॉर्मूले पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CaSO4.2S2. अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया था, पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ फिर ये करता हूँ. देखिए यहीं पे मैं नोट कर लेता हूँ इसको, इसको पढ़ना सीखिए पहले. जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कहीं CuSO4.5S2, अगर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो उसको क्या पढ़ेंगे? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ओके, और इसी तरीके से Na2CO3.10 था, Na2CO3.10S2, इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट. 10 के लिए क्या लगाते हैं? डेका. मैं लिख दे रहा हूं डेका हाइड्रेट. ये क्या था? पी 5 के लिए पेंटा हाइड्रेट. ओके, नाउ अगर 2 लिखा होगा, जैसे कि Ca कैल्शियम का सल्फेट है डॉट 2S2 है, तो डाई हाइड्रेट. ओके, डाई हाइड्रेट मीन्स व्हाट? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. पेंटा हाइड्रेट मीन्स व्हाट? 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. डेका हाइड्रेट मीन्स व्हाट? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सिमिलरली FeSO4 फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट डॉट 7S2, FeSO4 डॉट 7S2 नाम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मीन्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, नाउ ओके, देखिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? किसका नाम? यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने आपको नहीं बताया ना, फॉर्मूला नहीं बताया ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का. ठीक, ओके, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.5S2. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट, थोड़ा सा इसका थोड़ा मीनिंग समझिए प्लीज. पहले देखिए ये दूसरा क्या मीनिंग, ये दूसरा सब्सटेंस है और ये दूसरा, दोनों एक नहीं. ओके, ये कौन है? ये कौन है? पहले कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. तो दिस इज, पहले मीनिंग समझिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. दो वाटर के मॉलिक्यूल लगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यहां पर देखिए इसको क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रेट. यस, कैल्शियम सल्फेट. हेमी मींस व्हाट? हाफ. हेमी हाइड्रेट. ओके, तो दोनों में से प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है? हेमी हाइड्रेट. अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों नाम दिया गया? सुनिए, बिकॉज इसको हम बनाते कैसे? जिप्सम को हीट करेंगे. अभी दिखाऊंगा मैं आपको केमिकल रिएक्शन. जिप्सम जो है उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ओके, और ये जिप्सम मिलता कहाँ है सबसे ज्यादा? पेरिस. तो दिस जिप्सम इज फाउंड इन पेरिस, दैट्स व्हाई बाय हीटिंग जिप्सम. इसका कॉमन नेम क्या है? जिप्सम. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कौन है? जिप्सम. मिलता कहाँ है ज्यादातर? ये पेरिस में. और इसी को आपने क्या कर दिया? अगर हीट, तो हीट करोगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब देखिए जैसे ही आप हीट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि
ध्यान से सुने, टेम्परेचर आपको याद रखना है, अगर ये गलत कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कितने टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं? 370। हीट तो 100 डिग्री सेल्सियस, हीट तो 100। और केमिस्ट्री में तो हम लोग डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर का? केल्विन। तो इसमें 273 ऐड कर दो, क्योंकि डिग्री को केल्विन में कैसे ले जाते हैं, 273 ऐड करके, तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। दोनों ही सेम टेम्परेचर है, 10 यूनिट अलग है, एक केल्विन में एक डिग्री सेल्सियस में। ओके, अच्छा थोड़ा सा इधर ध्यान दें, मैं अब आपको जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। टोटल वाटर के मॉलिक्यूल कितने थे? टू। एक सर्कल बना लो और इसके कितने पार्ट कर लो? फोर। हाफ मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल, हाफ, कितना हो गया? वन टू थ्री फोर, फोर इंटू वन बाई टू, टू। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल का वाटर के? टू। वन हटाया, टू हटाया, थ्री हटाया, तो क्या बोलेंगे? फोर में से कितने पार्ट हटा दिए? थ्री। तो याद रखिए, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है अप टू 373 केल्विन, तो 3/4 ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं। 3/4 ऑफ द, तो 3/4 ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गए का मतलब क्या? हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? वन, और वन प्लस हाफ वन है ना, हाफ, तो अलग हो जाएगा इससे वन है ना हाफ वाटर। समझ में आया? तो कितने वाटर निकल गए? 3/4 वाटर निकल गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाएगा। ओके, इफ, इधर ध्यान दें, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दें, अगर टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रख दोगे तो बचा कुचा जो हाफ मॉलिक्यूल है वो भी इससे क्या हो जाता है, निकल जाता है बाहर। ओके, तो बनेगा क्या, केवल क्या बन जाएगा? CaSO4। और CaSO4 जो बनेगा इसको, अच्छा एक चीज पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, ये जो बना आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके साथ मिलाया जाए? नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों बोलते हैं, इसको वाटर में आप मिलाते हो तो ये क्या बन जाता है, काफी हार्ड बन जाता है ना, इसको वाटर में जब आप मिलाते हो तो काफी ये हार्ड बन जाता है। ये वाटर के साथ ऐसी प्रॉपर्टी कब देगा, जब इसके एक मॉलिक्यूल में कितना वाटर का मॉलिक्यूल लगा रहेगा, हाफ, और अगर ये भी हाफ निकल जाए तो ये CaSO4 अब वाटर के साथ मिलाने पर हार्ड नहीं होगा, ये अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, और इस टाइम हम इसको बोलते हैं, इसको नाम हमने दिया केमिस्ट्री में डेड बर्न प्लास्टर, दिस इज नोन एज डेड बर्न प्लास्टर। Why dead burnt plaster? Because it does not set like plaster on adding water. Note कर लेते हैं, because it does not set like, देखा है ना किसी के हाथ पार्ट टूट जाता है तो बोन्स को फिट करने के लिए चढ़ाते हैं प्लास्टर, ये वही वाला है। तो पहला ऐसा लगा देता है लिक्विड के फॉर्म में, खूब बढ़िया, और छोड़ दिया जाता है तो वो सूख जाता है ना, ये वही है। ठीक है ना, तो अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखेंगे तो CaSO4.5H2O नहीं मिलेगा, ये भी निकल जाएगा और क्या बनेगा, CaSO4 केवल, वो आपको चाहिए क्या? नहीं। तो CaSO4 विच इज नोन एज डेड बर्न प्लास्टर, व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट set like plaster on adding water. Plaster of Paris, it does not set का मतलब समझ लो? Yes. ये hard substance नहीं देगा, किसकी तरह नहीं देगा? किसकी तरह नहीं देगा? Plaster of Paris, क्योंकि plaster of Paris को क्या करते हैं, पहले water के साथ मिलाते हैं और जहां लगाना होता है उसको लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, तो सूख जाता है, तो कैसा हो जाता है, हाफ एन आवर के बाद एक हार्ड सब्सटेंस देता है। ओके, अब क्या ये हार्ड सब्सटेंस देगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल चुका है। डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन एडिंग वाटर। ओके,
ये हो गया. नाउ अब इसमें एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूं. ओके इधर थोड़ा सा ध्यान दें. इसमें एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं. क्या हाफ मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट कर सकता है? तो लिखते क्यों है भाई? और सच में हाफ मॉलिक्यूल थोड़ी किसी से लग जाता है क्या? क्योंकि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है. आप उसको इमेजिन कर सकते हो एक बॉल जैसा. तो क्या ऐसा कट जाएगा? हाफ उसके पास चलेगा, हाफ उसके पास नहीं. हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते. तो सुनिए ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया गया. जब स्ट्रक्चर देखा गया किसका, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है भाई, देखना ये क्या है. हाँ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो वो कुछ इस तरीके से होता है. ध्यान दें, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक CaSO4 इधर और एक CaSO4 इधर. तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय टू कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई वन के साथ कितना हम बोलेंगे. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द फॉर्मूला इज CaSO4.5H2O, तो आप बोलोगे वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट. ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट. दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज हेमी हाइड्रेट. ठीक है, that's why the chemical formula is hemihydrate CaSO4.5H2O. okay, now another reaction, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ये ऊपर वाला मैं रब कर दूं. हाँ, इधर देखिए, ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या करते हैं, हमने इसको उठाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे. ओके, तो एग्जाम में या तो ये वाली रिएक्शन लिखोगे या तो ये वाली. जब 2 से करोगे तो इट विल बिकम 2CaSO4 डॉट, इसको ब्रैकेट में रखिए कोई बात नहीं, डॉट 2H2O heating to 100 degree Celsius or 373 Kelvin. जब 2 आएगा इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको, तो यहां लगेगा 2CaSO4 और जब यहां करेगा तो 2 gets cancelled dot H2 plus, ये कितना लिखा है, 2 × 2 + 1 = 3, 3/2. तो 2 × 3/2, 2 gets cancelled, 3S2. तो the above reaction can be written like this. ये क्या है, जिप्सम, और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके, बट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड. तो अगर आपसे एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखना. आप लिखेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या, कैल्शियम सल्फेट. हाँ, कैल्शियम सल्फेट एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है. सल्फेट का, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है. तो सल्फेट फैमिली का सॉल्ट कौन, कैल्शियम सल्फेट, अगर कैसा हो जाए, हेमीहाइड्रेट, तो वही क्या होता है, पीओपी. ओके, और अगर कैल्शियम सल्फेट मतलब सल्फेट फैमिली का सॉल्ट कौन, कैल्शियम सल्फेट, अगर कैसा हो जाए, डाइहाइड्रेट, तो वो क्या होता है, जिप्सम. आपको याद रखना है व्हाई हेमीहाइड्रेटेड, बिकॉज वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट. ओके, दिस इज द आंसर. और इसमें कुछ बताना है? हाँ,
अच्छा, अगर आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे, किसमें, इसमें अगर आप वाटर ऐड कर दें तो वापस आपको क्या मिल जाएगा बताइए? जिप्सम। यस, तो वो रिएक्शन में लिखिए, बताइए कैसे लिखेंगे वो रिएक्शन, उल्टा कर दो ठीक है? ये रिवर्सिबल होगा। यस, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, देखिए ये जो प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा, प्लास्टर अभी कैरेक्टरिस्टिक से देख लेते हैं। व्हाइट कलर का पाउडर होता है कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पीओपी आपने देखा होगा ना, ऊपर ऐसा बिल्ड डिजाइन वगैरह बनाते हैं जो, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सुनिए क्या, कि अगर इसको किसके साथ मिला दें हम, वाटर के साथ, तो ये एक हार्ड सब्सटेंस दे देता है। वाटर के साथ वेट होने के बाद करीब हाफ एन आवर बाद ये कैसा हो जाता है, हार्ड मास हो जाता है, हार्ड एक हार्ड मास देता है ठीक है, मतलब आपको वापस क्या मिल जाता है। तो उसका रिएक्शन देखिए, CaSO4.H2O, ये क्या है, PO, आपने क्या मिला दिया, वाटर, वन वन एंड हाफ, और क्या बना देगा ये डॉट, ये क्या है, अब सुनो, जब ये ऐसा बन जाता है वापस, तो इसके वॉल्यूम में थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंशन, मास चेंज नहीं हो सकता है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्लाइट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, स्लाइट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, इसी प्रॉपर्टी के कारण हार्ड हो जाता है और सूखने के बाद इसके वॉल्यूम में थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्सपेंशन, इसी प्रॉपर्टी के कारण दे आर यूज इन मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैचूज और टॉयज, दे आर यूज इन making cast of statues or toys, इसके खिलौने भी बनते हैं, स्टैचू बनाने में इसका यूज करते हैं, पीओपी, हाँ ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, और ध्यान आपको एक चीज और रखनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा किसमें रखेंगे, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज kept in moisture proof, why, क्योंकि अगर वाटर उसको मिल जाएगा तो हार्ड सब्सटेंस बना लेगा, फिर आपके यूज में नहीं आएगा, उसको वापस फैक्ट्री भेजना पड़ेगा, वो खराब हो गया, गर्म करके थोड़ी ना यूज करोगे दोबारा, फिर जो भी उसका प्रोसेस होता है पूरा उसको खराब हो जाएगा, आपके यूज का नहीं है ठीक है, इसलिए आपको इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होता है, ओके? अच्छा, इसमें और कुछ, अब इसमें कुछ चीजें नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज इसकी, प्रॉपर्टीज किसकी, प्रॉपर्टीज है, नंबर वन, इट इज अ वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, नंबर टू, सेट्स इनटू हार्ड मास ऑन एडिशन ऑफ वाटर, sets into hard mass on addition of water, okay, ये दो properties बहुत important है, uses देखिए, कहां पर लिखूं, यहां लिख दूं, इसको रख कर दूं, uses of POP,
नंबर वन हॉस्पिटल ट्रीटिंग फ्रैक्चर, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में यूज होता है ट्रीटिंग फ्रैक्चर। फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो बोन्स को अपने पोजीशन पे, ताकि हीलिंग अच्छे तरीके से हो जाए, बोन अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, उसको रोकने वाला कुछ चाहिए ना, वरना हिलता रहेगा ज्यादा तो हीलिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर से ऐसा लगाकर छोड़ दिया जाता है उसको, सूख जाता है तो ऐसा हार्ड हो जाता है, उसको अपनी पोजीशन रखता है और जो भी लिम्स है या जहां से भी फ्रैक्चर हुआ है वापस में अच्छे से जो है जुड़ जाते हैं, मतलब हीलिंग हो जाती है उसके। ओके, नेक्स्ट है मेकिंग स्टैचूज, अभी मैंने लिखा ही था। लैब में इसका क्या यूज है? एयर टाइट अरेंजमेंट के लिए। एयर टाइट मतलब समझ में आया? एयर टाइट अरेंजमेंट, मान लो कि कोई इसमें सब्सटेंस ऐसा है जिसको कि वाटर का मॉलिक्यूल ना मिले बाहर से, आप ये चाहते हैं मॉइस्चर ना मिले, तो ऐसा क्या इसका ऐसा ढक्कन लगा दोगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी लगाकर, पीओपी का एक पेस्ट बनाकर वाटर में लगा दोगे, छोड़ दोगे, जब सूख जाएगा तो वो एयर टाइट कर देगा उसको, मतलब उसमें कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से नहीं जा पाएंगे। ओके, या एयर नहीं लग पाएगी। नेक्स्ट है डिजाइनिंग सीलिंग्स। देखा है आपने पीओपी से सीलिंग का डिजाइन करते हैं छत का, डिजाइनिंग सीलिंग्स। ओके ओके, ये है